एबीडी। और लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पहेली साबित होते रहे, क्या क्या यहां पर आज ऐसा होगा? अक्सर आप अब देखते होंगे भारत के अक्षर पटेल से गेंदबाजी की शुरुआत करवाते हैं, पर ये बहुत उम्दा शॉट है, फुल टॉस कर के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्वागत किया है गेंदबाज विशाल का, बल्लेबाज गोलू एबी डिविलियर्स ने पहली गेंद पर चौके से खाता खोला है। मैं हमेशा कहता हूँ पाली का पहला रन हो या जिंदगी का पहला प्यार, दोनों बहुत कीमती रहता है, हमेशा आप उसे याद रखते हैं। और उस कार की शुरुआत कर दी है बल्लेबाज गोलू एबी डिविलियर्स ने, पहली गेंद पर चौके से स्वागत किया गेंदबाज का, अच्छी शुरुआत मिलती हुई पीपला पुरुषोत्तम को 4 बिना किसी नुकसान के। और चंदन क्या समझा रहे हैं, कितना समझ पाएंगे गेंदबाज विशाल, पहली गेंद पर दबाव डाल दिया है गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज गोलू एबी डिविलियर्स ने। यह अच्छी गेंद है, ये बहुत ही बढ़िया वापसी की है, अच्छी लेंथ पर बॉल पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ लगभग कमर के आसपास आती हुई गेंद बाहर निकलती हुई गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए सम्मान दिया है, पूरा ख्याल रखा है। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही है कि आप अच्छी गेंदों का सम्मान भी करें, ढीली कमजोर गेंदों पर बड़े शॉट लगाने के लिए जाए। ये बहुत अच्छी गेंद, जबरदस्त वापसी। और अगर आप पहली गेंद को देखें तो ऐसा लगा था कि गेंद उनके हाथ से छूटी थी, फुल टॉस गेंद हो गई थी, वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन वहां पर वो देखने को मिला है। और अगली दो गेंदों पर आप देखिए इस गेंदबाज का की धार देखिए, टप्पे को देखिए, बहुत ही बढ़िया वापसी और अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी वापसी करते हुए। उन्हें यकीन है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। अच्छा मुकाबला, जोरदार मुकाबला देखने को मिला है गेंद और बल्ले के मध्य। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के गोलू एबी डिविलियर्स, पर विशाल को कैसे टैकल कर पाएगा। और मैं जिक्र कर रहा था कि दाएं हाथ के लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया है, और उन्होंने वो काम कर दिया है जिस काम के लिए कप्तान हेमंत निशान ने गेंद दी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पे टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के और बाहर निकल रही थी, यानी कि दाएं हाथ के बल्लेबाज गोलू के लिए लेग ब्रेक हो रही थी, और जबरदस्त गेंदबाजी के बूते यहां पर बड़ी विकेट आया था उस टैप में फंसा लिया है बल्लेबाज गोलू को, पहला विकेट 4 की रन संख्या पर पीपला पुरुषोत्तम का। इस गेंदबाज से बच के रहना, यानी अगर आप इनकी गेंदबाजी को देखें जिस तरीके से आप लेदर में वो लेंथ हिट की है, अभी इतने बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे, पर दूसरे छोर पर अनुपम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे पीपला पुरुषोत्तम। चार रन 1 विकेट के नुकसान पे, पर गेंदबाज विशाल अपने मजबूत बार फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार सुंदर फील्डिंग है कमर के खिलाड़ी के द्वारा, और कम से कम 3 रन बचाए सोनू के द्वारा। अच्छा पूर्वानुमान, गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास, एक सफल किफायती ओवर समाप्त हुआ है गेंदबाज विशाल के द्वारा, बड़ी विकेट हाथ 5-1 विकेट के नुकसान पे। और ये गेंदबाजी की शुरुआत जो मिली है, दूसरे गेंदबाज से भी इसी तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा होगी कप्तान हेमंत निशाद को, उन्हें दुआएं दी है और उन्हें समझाया कि आप ऐसी गेंदबाजी करें कौन सफलता मिले। नए बल्लेबाज अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पर अनुपम को अपनी बारी का इंतजार कर 7 मिनट का लक्ष्य का पीछा करना है, तो यानी कि यहां से अभी 7 मिनट की जरूरत है, 42 गेंदें बाद मिनट की जरूरत है। स्लोवर में सवाल, बढ़िया बढ़िया शॉट है, गेंद की गति को पहचान लिया था, लेंथ को पहचान लिया, और गेंद बहुत अच्छा कनेक्शन था, सफल करके आश्रम के बाहर है। लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ा था, स्लोवर का इस्तेमाल ऊपर डालने का प्रयास किया था, लेकिन इतनी ऊपर नहीं डाल पाए कि बल्लेबाज को परेशानी में डाला जा सके। और बल्लेबाज अमित ने इरादा बनाया, मेंटेन करके नहीं चले तो फिर बहुत देर हो जाएगी, चलते रहने पड़ेगा। और 9 रन
और ये खराब गेंद, एक और बार गेंद सी मारेगा के बाहर, नो बॉल का इशारा, गेंद एक टप्पे खराब गेंदबाजी, पूरा लुत्फ उठाते हुए बल्लेबाज अमित इनकी गेंदबाजी का। अंपायर से बहस मत करिएगा, बहुत ही उच्च स्तरीय नजर आई है, देवानंद के द्वारा बढ़िया डिसीजन दिए गए हैं। बड़ा शॉट है पर खिलाड़ी आर्य गेंद की गति को कम कर दिया, रन आउट की अपील करते हुए गेंदबाज चंदर, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तेजी से दूसरा रन मुकम्मल किया है दोनों बल्ले अमित के द्वारा, जो पिछले ओवर में रनों की जो कमी नजर आ रही थी उसकी भरपाई की है इस ओवर में, और कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, जो हो गया उसे सोच, मंजिल भी उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, आगे बढ़ते रहना होगा, चलते रहने में सफलता, क्योंकि रुका हुआ पानी और चंदन के ऊपर प्रेशर डाला है, अच्छा प्रेशर को कैसे रिलीज करेंगे चंदन देखना होगा, अतिरिक्त खिलाड़ी कौन साइड में लिया, डीप बैटिंग के डाउन चंदन के, और ये फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का किनारा और ये निशाना लगा रही था पर अब रन आउट हो जाएंगे, भी है बल्लेबाज अमित को रन लेने का प्रयास, नॉन स्टेट का कोई रिएक्शन नहीं था वहां पर और रन के लिए उतावले नजर आ रहे थे, विकेट मिल गया है क्योंकि अमित ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके आउट होने के बाद जरूर एक राहत की खबर है तिमई के कप्तान हेमंत निषाद उनके खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जिस रफ्तार से रन चौके लगाए एक डबल के साथ तेजी से रन गति बढ़ाने का प्रयास था, लेकिन अपना विकेट गंवाकर जरूर अब मुश्किल में डाला है तीसरा पुरुषों, इस तरह के रन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी जब बॉल आप बेहतर खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मैच से बाहर कर देती हैं और छोटी छोटे कार्य पर चीजों पर आप काम कर, चंदन की गेंद फिर से गेंद को निकाला हिस्सा लेकिन दिशा में तेजी के साथ गेंद आ रही सीमा रेखा की ओर, डीप में विकेट बाउंड्री से खिलाड़ी आ रहे गेंद को उठाने के लिए, दूसरा रन आसानी से पूरा करते हुए एक विकेट के नुकसान पे, बल्लेबाज बैट्समैन का नाम बता दे, ये कौन सा नाम है आपको ग्रामीण टूर्नामेंट में आपको इस तरह के नाम देखने को मिलेगा, और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से ओपन द फेस गेंद को दिशा दी है, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से गेंद को फील्ड पास, और बिल्ला ने इस दो रन के साथ स्कोर पहुंचा दिया है टीम ऑफ पिपरा पुरुषोत्तम का 20-1 के नुकसान पे, पहले दो रन और इस आखिरी गेंद पर क्या वो बड़ा शॉट देखने को मिलेगा जिसे भरपाई कर पाएंगे, इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले गेंद जी, पिच तक जाकर जबरदस्त शॉट लगाने का, पहले दो ओवर के बाद 21 विकेट के नुकसान पे, देखा जाए तो औसत में कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 97 रन बना रहे हैं जीतने के लिए, पहले दो ओवर में 21 रन गिर जाए तो इस तरह की तस्वीर आपको अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन उसकी भरपाई की जा सकती है मिडिल ओवर्स में, जिस तरीके से कातिल ने मध्य के ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी जिसके बूते 8 ओवर के मुकाबले में, देखना होगा गेंदबाजी के लिए किसे बुलाते, कप्तान हेमंत निषाद के हाथ पर वो गेंद खुद नजर आने वाली है, रात का
पिछले दिन अगर आप देखें जो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, बड़ी ख्याति के अगर आप निरंतर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो आप बहुत और निरंतर अच्छी बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज ही दूर दूर तक अपना नाम कमाता है, अपनी छाप छोड़ता है। जो मुकाबला हुआ था आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद और आरसीबी, और इस सीजन की दूसरी जीत अपने नाम की थी। मिलना होंगे सामने, और इनके लिए जो फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रही है, ऑन साइड में ज्यादा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अब ऑफ साइड में देखा जाए, अक्सर आपको ऑफ साइड में ज्यादा खिलाड़ी नजर आते हैं। पांच ऑफ साइड में, चार ऑन साइड में नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑफ, डीप कवर और शॉर्ट से कवर के साथ पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी पहली स्लिप के स्थान पर नजर आ रहे हैं। खेलने का प्रयास किया था बिल्ला ने, आप ऑन साइड में खेलने का प्रयास करिए। जैसा जी पिछली पहली पारी में चंदन ने गया था, वैसा यहां पर कुछ करने का प्रयास किया है बिल्ला ने। आप गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं तो आप ज्यादा सफल रहते हैं, आपको देखने वाले आपके चाहने वाले फैंस की भी संख्या में इजाफा होता है। बल्लेबाज बिल्ला ने, और अब सामना करेंगे बल्लेबाज अनुपम, सामना करेंगे गेंद फाइल के रास्ते, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए लेग बाई का इशारा, बल्ले पर गेंद आई नहीं, पर विकेट कीपर को थोड़ा सा आकर्षण करने के पीछे से बल्ले से बल्ले से तैनात चलती है मुकाबले की। अगर आप एक कप्तान की विकेट कीपर की हैसियत देखें मुकाबले में, तो विकेट कीपर की अहमियत तो एक कप्तान से कम नहीं होती। विकेट के पीछे से आप वो सब कुछ तस्वीरों को कैप्चर करते हैं और बारीकियों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी विकेट कीपिंग की जरूरत होगी। एक और बार लक्ष्य के बाहर दिशा से भटकते हुए, ये लाइन अच्छी नहीं है। अंपायर वाइड का इशारा दिया है, 28 रन दो विकेट के नुकसान पे। और ये इनके इनके मन में क्या चलता है, सिर्फ ऑन साइड के एरिया में 90% तो कैनवस क्रिकेट में देखता हूं कि बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि आप बहुत नाकाम भी रहते हैं कई बार। तो आप अगर चारों दिशाओं में रन बनाने की काबिलियत रखते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अन्यथा आपकी कमजोरी का फायदा गेंदबाज जरूर उठाता है। जो काबिल गेंदबाज है आपको और जिन बल्लेबाजों के पास चारों दिशाओं में रन बनाने की काबिलियत है वो गेंदबाजों को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर अभी तक वो दिखा नहीं है, वो इंटेंट नजर नहीं आया बल्लेबाजी में, जिस इंटेंट की जरूरत है पिपरा पुरुषोत्तम के बल्लेबाजों पे। ये पैड लाइन पे गेंद, ये शॉट अच्छा है, पर कप्तान हेमंत शाह ने टप्पे के साथ गेंद को फील्ड कर लिया है। बहुत ही सुंदर फील्डिंग और अच्छा थ्रो किया है। कप्तान की हैसियत हेमंत शाह की जानते हैं, एक एक रन बचाना कितना जरूरी है। बढ़िया फील्डिंग है पांडव का, दर्शक यहाँ के काफी खुश नजर आए कप्तान हेमंत निषाद के इस फील्डिंग से। प्रस्तुत करता है, जब वो अच्छा करता है तो बाकी के खिलाड़ियों को भी अच्छी प्रेरणा मिलती है, अच्छा करने का एक साहस दिखाई देता है। और देखा जाए तो पारी के 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 29 रन बने हैं, रन रेट में थोड़ा सा और सुधार। कहते हैं कि तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, यहां पर ऐसी स्थिति है इस मुकाबले की, आपको थोड़ा सा जोखिम ले लेना पड़ेगा और विकेट भी बचाने पड़ेंगे। ये अच्छा शॉट है, ऊपर डाली हुई गेंद और चंदन ने गेंद को उठाया है सिंगल के साथ,
अनुपम अपना छोर बदलती है, हाथ खोलना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद और उतनी समझदारी से शॉट भी खेला है, ये अच्छा जवाब दिया है बिल्ला ने। और सुनील गेंद को उठाने का प्रयास करे, पांव लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं और ये तीसरा रन पूरा कर लिया है बल्लेबाज बिल्ला ने अपने साथी अनुपम के साथ। तीसरा रन तेजी से पूरा किया है इस 3 रन के साथ। विशाल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है पर इस बार इस गेंद को बहुत ही अच्छे से खेला था। खेला गया शॉट, शॉट फैले की दिशा में कोई खिलाड़ी नहीं है और ये समय से परे रहता है कि आप किस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हैं। और इस फील्ड प्लेसमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि विशाल जिस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी का फायदा उठाया मिलाया है बल्लेबाज अनुपम ने, इसका फायदा उठाया है क्योंकि अक्सर गेंद बॉल पड़ने के बाद उछाल आएगी तो उस पर गेंद को पुल करने का प्रयास करेंगे। पर एक काबिल कप्तान एक गेंदबाजी कैसी होगी उस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट भी चाहिए होती है गेंदबाज को। स्कोर है 37 2 विकेट के नुकसान पे। एक और अच्छी गेंद बल्ले का किनारा, एक और सफलता मिलती हुई गेंदबाज विशाल को, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ये गेंदबाज अपने आप में सबसे खास नजर आया है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कोशिश भी ना की जाए ये गलत बात है। विशाल की कोशिश है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बड़ा मौका है आगे बढ़ने का। आप कैनवस गेंद से अगर आप इस तरह की गेंदबाजी हनी कर सकते हैं तो आप बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी पवेलियन भेज सकते हैं। और ये बड़े मंच के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विशाल के पास वो काबिलियत है, वो क्वालिटी है इनके पास, इनकी गेंदबाजी में वो विविधता नज़र आई है जिसके बूते यहाँ पर इस मुकाबले में शिकंजा कसती नजर आई है। चेन्नई की टीम और कप्तान हेमंत निशांत काफ़ी खुश होंगे जिस विशाल ने। ये तीसरे विकेट का बता हुआ है, भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। ये कौन अच्छी गेंद, चारों खाने चित हो गए थे बल्लेबाज, आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया था गेंदबाज विशाल ने। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं इस मुकाबले में, पिपरा पुरुषोत्तम को मुश्किल हालात से निकाल पाएंगे, बहुत ही दयनीय स्थिति में पिपरा पुरुषोत्तम की टीम। एक और अच्छी गेंद हवा में खेला गया स्टॉक, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से पहले गेंद थप्पड़ खाती हुई फिर से विशाल की इस गेंद पर। ओवर समाप्त हुआ है, एक और सफल ओवर समाप्त हुआ है विशाल का। विशाल के गेंदबाजी विश्लेषण को देखा जाए तो बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है इन्होंने अब तक। चौदह रन दिए इन्होंने और 2 महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने अपने नाम किए, 7। अगर आप 6 रन 7 रन प्रति ओवर की रन औसत से गेंदबाजी में रन खर्च करते हैं और सफलता दिलाते हैं टीम को तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी गेंदबाज के द्वारा। विशाल ने वो काम कर दिया है जिसका कप्तान हेमंत निशांत ने गेंद दी थी। विकेट के नुकसान पे 3 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन पे। अगर 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है इस पारी में और ये खराब गेंद, नो बॉल निश्चित ही नो बॉल है। ऊपर डाली हुई गेंद और गेंद बल्ले का सिरा लेते हुए गेंद स्क्वायर थर्ड बॉल सीमा रेखा की ओर जाती हुई। बहुत ही अच्छा एफर्ट है विशाल के द्वारा, तो कम से कम 2 रन बचाने का प्रयास रहा है। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा एफर्ट डाला है डीप से और फ्री हिट बरकरार रहेगी। 3 रन मिलेंगे इसमें
ये दो रन दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर पूरा किया है और स्कोर पहुंच चुका है 41 रन। धीरे धीरे लक्ष्य के करीब जाने का प्रयास है। आत्मविश्वास में जरूर इजाफा करेगा और यह अच्छा शॉट है, ये गैप में खेला गया शॉट है चंदन के द्वारा, अच्छी फील्डिंग, दूसरे की कॉल, यहां पर खतरा हो सकता था लेकिन समझदारी दिखाई है। साथी बल्लेबाज ने बिल्ला को वापस भेजा, एक रन के साथ स्कोर है 42 रन। 55 रनों की जरूरत है और 42 रन है, 3 विकेट का नुकसान, 23 गेंदों में। ये फुल फास्ट गेंद है, गैप में खेला गया शॉट, मिलेंगे ये मैक्सिमम मिलेंगे और फिर वन बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट है, खराब गेंदबाजी, गेंदबाज सोनू के द्वारा बड़े शान से गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर पहुंच चुका है इस चौके के साथ ही 45 की रन संख्या पर और यहां से अभी देखा जाए तो 42 रनों की ओर सैतालीस रन की और जरूरत यहां से। एक 51 रन चाहिए बल्कि और यहां पर थोड़े से छोटे लोते हैं। आप इस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, इस तरह का जोखिम आप उठाएंगे तो खतरा भी रहता है। मैं चाहूंगा कि आप हमेशा इस तरह की जब बल्लेबाजी करने का जब ख्वाब देखते हैं तो आप एडी लगाकर जरूर आप बल्लेबाजी करें। थोड़े से बल्लेबाज चोटी लेते हैं। बोला माफिया पानी लेके जा रहे हैं वहां पर। खिलाड़ी को तीन विकेट गिर चुके हैं, तीन मुश्किल हालात में है और इसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर रहता है। ठंडा पिया गया पानी, चलो कोई बात नहीं है। मैं पानी आदमी पियते बा निकालो थोड़ी बा। कहो भाई आइए नहीं सुख इनके घर हानि का हानि घर आइए हानि का हानि का। 19 गेंदों से 51 की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। ये दर्द गम दर्द जो भी है वो सब तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। 19 गेंदों से 51 चाहिए जीतने के लिए। यानी कि अभी 20 गेंदे हैं, अगर इस ओवर की 4 गेंदे हुई तो यानी कि 20 गेंदों से 51 चाहिए जीतने के लिए। सोनू गेंदबाजी करे लेता और ये दो बॉल का इशारा है, एक और अतिरिक्त मिलेगा और ये देखिए सर्कल के बाहर कप्तान हेमंत
खिलाड़ी तीस के दायरे के बाहर आप नहीं रख सकते, आपको पांच ही बाहर रखना है। अंपायर देवानंद की तारीफ करनी होगी, क्या बढ़िया अंपायरिंग की इन्होंने, और कप्तान को सजग किया है, सावधान किया है कि यूं ना उंगलियां सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही सीख जाओगे, बारिश में पतंगे उड़ाया करो। कप्तान हेमंत निषाद के लिए एक प्रेरणा दी है और एक उन्हें सबक दी है कि आप इस सबक को याद रखिएगा, आने वाले ओवर्स में आने वाली गेंदों पर इस तरह की गलती ना करिए। और शानदार शॉट, लोफ्टेड शॉट है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार जेर कदम रास्ता हो ख्वारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट था, इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 53 रन 50 के पार। और यह औसत के बाहर गेंद का पीछा किया था, काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा। पर आजकल वाइड गेंदों पर भी बहुत चर्चा हुई है, अगर आप देखें कि बल्लेबाज अगर गेंद डालने से पहले अगर क्रीज छोड़ करके सफल करके औसत के बाहर आते हैं तो बल्लेबाज के बल्ले की रीच देखी जाती है कि कितने गेंद के रीच में थे, अगर गेंद के रीच में है तो वाइड गेंद नहीं होती, ये भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन एक बार तो फिर से बाहर डाली गेंद, वाइड यार्कर करने का प्रयास किया है, अभी भी लेकिन फील्ड प्लेसमेंट पर नजर डालें तो जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं शुरू, उसके लिए फील्ड प्लेसमेंट ठीक है या नहीं ये तो कप्तान ज्यादा बेहतर समझते हैं। 55 रन बन चुके हैं, 42 रनों की जरूरत और है इस बार। ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, डॉट गेंद के साथ ही ओवर समाप्त हुआ है। 5 ओवर के बाद 55-18 गेंदों से 42 रन की जरूरत है, 18 गेंदे 42 रन, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंगलात में हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। 18 गेंदों से 42 रन की जरूरत है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कौन गेंदबाज गेंदबाजी करेगा, ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, और कम अज कम पितरा पुरुषोत्तम के कप्तान की कोशिश होगी, ख्वाब होगा कि आने वाले जो 2 ओवर से उस पर कम से कम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाए ताकि मुकाबले में वापसी की जा सके, ऐसी उम्मीद लगा के रखनी पड़ेगी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एक शायर ने कहा है कि मुझे तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, जो दर खुला है वहां सदा नहीं देंगे, रवायतों की सफ़े तोड़ कर बढ़ो वरना, जो तुमसे आगे है वो रास्ता नहीं देंगे। यहाँ पर 18 गेंदों से 42 की जरूरत है, आपको वो सफ़े तोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। 18 गेंदों से 42 की जरूरत है, नए बल की शुरुआत नीरज के द्वारा, और ये खराब गेंद, शॉर्ट पिच गेंद के बाहर वाइड गेंद के साथ शुरुआत की है। 18 गेंद 41 रन, हम सफर का किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मुश्किलें बढ़ रही है, दोनों टीमों की धड़कनें बढ़ रही हैं, दर्शकों में बेचैनी बन रही है, यही तो पहचान है टीपीएल सीजन 2 की। और शॉर्ट गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब इस मैच में रोमांच और बढ़ता है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, पर गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आई, फासला कम कर दिया है। 17 गेंदे हैं, रनों की जो जरूरत है अब 37 रन की जरूरत है, 17 गेंदे 37 रन, कौन मुकाबला जीतेगा, पिल्ला है बल्लेबाज सामने, गेंदबाज है नीरज, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है। और अब डीप बैकवर्ड इसको अलग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी को लगा रखा है, डीप में विकेट और इसका अलग है, मध्य खिलाड़ी नजर आ रहा है, ये अच्छा शॉट है पर सीधे खिलाड़ी सुनील के पास गेंद जा रही है, और दूसरा रन आसानी से मिलेगा यहाँ पर, दूसरा रन तीसरे की मांग करना चाहते थे, मना किया बिल्ला ने, समझदारी से काम किया है। 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 62 रन, और लगातार अब रनों की जो जरूरत है वो 35 रन की जरूरत है, आने वाली 16 गेंदे 35 रन की जरूरत है। कहते हैं कि पानी को बर्फ में बदलने में समय लगता है, भले हुए सूरज को निकलने में समय लगता है, हिम्मत दिखा थोड़ा जोर लगा क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में समय लगता है। और एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्ला,
चंदन और हेमंत निषाद के ऊपर दबाव बना दिया है इस बल्लेबाज ने कि मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त बिल्ला और एक अकेले नायक की तरह बल्लेबाजी कर रहे, डटकर जमकर बल्लेबाजी की है, गेंदबाजों के सामने अपने आप को। वाह भाई वाह, ये क्लास है, गेंदबाजी के बाहर है चार रनों के लिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी बिल्ला के द्वारा। मंजिले लाख कठिनाई में गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां है वो लोग जो ये कहते थे रास्ते में बिखर जाऊंगा। जबरदस्त बल्लेबाजी, अब यहां से देखा जाए 14 गेंदों से 27 की जरूरत है, मुकाबले में रोमांच बढ़ता जाए, रोमांच की प्रकाश छपे जाता हुआ ये मुकाबला। एक और खराब गेंद, एक और बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए, वाइड का इशारा, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आए थे चमनी उठाने का दिए रुपया, बहुत कुछ मुकाबले में भी बाकी है। अब यहां से 22 रन की जरूरत है, 14 गेंदे 22 रन, मैच बिल्कुल पकड़ में आता हुआ, पानी नहीं ये मैसेज लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या वो मैसेज देंगे, क्या वो कहना चाहेंगे, बिल्ला ने क्या इस मुकाबले में कप्तान आए हैं जीवित रखा है, बहुत ही बहादुर बल्लेबाज है बिल्ला, जिस तरीके की बल्लेबाजी करे अपने साथी के साथ, निश्चित ही इससे मुश्किल हालात में अपनी टीम के लिए नायक की भूमिका अदा की है अभी तक, लेकिन अभी तक काम खत्म हुआ नहीं, अभी और इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुकाबले को जिताने के लिए अंत तक टिके रहना होगा दोनों बल्लेबाजों को, तब जाकर के मुकाबले में संभावनाएं प्रबल हो पाएगी, और काफी हद तक वापसी करा दी है पिता पुरुषोत्तम को दोनों बल्लेबाजों ने, कप्तान हेमंत के लिए बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है बिल्ला और अपने साथी बल्लेबाज अखिलेश ने, काफी खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है इस मुकाबले में। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला वन साइडेड नजर आएगा, लेकिन इस बार फिर से इस मुकाबले में, और ये कहा जाता है कि हाथ आई हुई बाजी पे बहुत नाज न कर, जीतने वाले तेरी हार भी हो सकती है। चौदह गेंदों से 22 रन की जरूरत है, 14 बॉल 22 रन रिक्वायर्ड, आप देखें तो 8 अधिक रन बनाने हैं गेंद से, और ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुकी है टीम मित्रा पुरुषोत्तम, इतना आसान है कार्य नहीं है अब हेमंत निषाद और उनके खिलाड़ियों के लिए इस मुकाबले में बचे रहे बने रहना। बिल्ला के लिए गेंद मिलेंगे चार रन क्या, देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड की जा रही है, हालांकि बॉल वहां पर जब टप्पा पर सतहत्तर रन हो स्कोर हो चला है, 20 रन की जरूरत है, 13 गेंदे हैं, 13 बॉल 20 रन, ये गेंद महत्वपूर्ण गेंद है, इस पर अगर बाउंड्री आती है तो रफ्टन के बाहर गेंद थी, वाइड हो सकती थी, लेकिन और इसी के साथ ही ओवर समाप्त हुआ है, 12 गेंदे आनी चाहिए, 19 रन की जरूरत है, 12 गेंदों से 19 बनाने हैं, 12 गेंदों से 19 रन की जरूरत, 12 गेंद में 19, एक ओवर में भी 19 रन, ये दुनिया आलम वहशत में क्या क्या छोड़ देती है, देखना है क्या होता है, समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ देती है, इरादे नेक हो तो मंजिलें कदमों तक आती है, कोई ठोकर खामोशी से रास्ता छोड़ देती है, और 12 गेंदों से 19 रन की जरूरत है, बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्ला, कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आप, अगर बिल्ला की बल्लेबाजी को देखें जिस तरह से उन्होंने रनिंग विद द विकेट की स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बटोरे हैं, 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं अखिलेश 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अटूट साझेदारी बनी हुई है और एक निर्णायक साझेदारी बनी हुई है, 12 गेंदों से 19 रन की जरूरत,
बैडमिंटन के हाथ विकेट नजर आ रही है। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा हमेशा अगर आप टी ट्वेंटी खेले तो ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहता है, 20वें से ज़्यादा महत्वपूर्ण 19वां होता है। उसी तरीके से 8वें के मुकाबले में 8वें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओवर 7वां है जो चंदन लेकर के आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। कोशिश हो रही थी कि कम अज़ कम रन दिया जाए और यहाँ से अगर विकेट मिल जाते हैं तो मुकाबले में एक बार फिर से मुस्कुराने का मौका मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के कोई चमक सकता नहीं, जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा। नेवर की शुरुआत चंदन के द्वारा और ये फुलटॉस खिलाड़ी बल्कि लॉन्गवान के खिलाड़ी काफी गेंद उठा रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं और ये और पकड़ने में नाकाम रहे। अगर ये पकड़ लेते तो शायद ये विकेट मिल जाता अखिलेश का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। चंदन शानदार नजर आए होंगे इस गेंद पर, यहाँ से विकेट की खुराक चाहिए मुकाबले में वापसी करने के लिए इस टीम को। 11 गेंदे हैं, 17 रन की जरूरत है, 11 बॉल 17 रन रिक्वायर्ड। कहते हैं कि लाख दलदल ही सही मगर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में नहीं रुकता पानी, बर्फ जमने तक ये विश्वास बनाए रखना। आखिरी 11 गेंदे हैं, 17 की जरूरत है, बिल्ला स्ट्राइक पे है। चंदन की गेंद ऊंचा लंबा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद एक टप्पे के साथ फील्ड करने का प्रयास है, दूसरा रन आसानी से मिलता हुआ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी में वो कंट्रोल नजर नहीं आया है, फुल टॉस गेंद कर बैठे। और गेंद अगर आप ऊपर डालेंगे बहुत ज्यादा ऊपर मौका देंगे तो बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने में भी कामयाब रहेंगे। अब 10 गेंदों से 15 की दरकार है, थकान बिल्कुल, एक बड़े शॉट के साथ एक बड़ी हिट के साथ मुकाबले में अंतर पैदा जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और इस बार ये अच्छी गेंद उगलियां खड़ी है, विकेट का मौका है और ये विकेट गिनती हुई, बिल्ला आउट होकर पवेलियन। चंदन को सफलता मिल चुकी है, 9 गेंदों से 15 चाहिए, 9 बॉल 15 रन। यहाँ से कौन बल्लेबाजी करने के लिए जा रहा है, गोलू अपने साथी बल्लेबाज को समझाते हुए, अभी मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, लेकिन चंदन के द्वारा वापसी अच्छी हुई है, बिल्कुल स्ट्राइक लेंगे क्योंकि नए बल्लेबाज जब भी बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे विकेट गिरने के बाद तो स्ट्राइक उन्हीं के हाथ में रहेगी। आईसीसी ने नियम में काफ़ी बदलाव कर दिए और समय के साथ काफ़ी चीज़ें बदली हैं क्रिकेट के मैदान पर। पूर्व में आप अगर आप उसको देखेंगे और अब देखेंगे तो बहुत आपको अंतर नजर आएगा। चंदन 9 गेंदे 15 रन जीतेगा मुकाबला। एक और डॉट गेंद, 14 रन की जरूरत है, 8 गेंद 14 भाई का इशारा अंपायर का, 8 गेंदे हैं 14 रन की जरूरत है, 8 बॉल 14 रन रिक्वायर्ड। मुकाबला आखिरी ओवर तक भी आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी कौन हारेगी, अगर एक दो बड़े शॉट आ गए तो फिर मुकाबले में संभावनाएं जग जाएगी। लेकिन तिवई के कप्तान हेमंत निषाद की कोशिश है एक और सफलता मिले, ये बहुत अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ पर गेंद को डाला है, अच्छा वेरिएशन है चंदन के द्वारा, 7 गेंदे 14 रन। इस तरह से काम चलने वाला नहीं, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे में कुछ नहीं है हौसलों के सामने। ये गेंद पर देखना है क्या होता है, ये गेंद महत्वपूर्ण गेंद है। एक और अच्छी गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ है, आखिरी 6 गेंदों से 14 चाहिए जीतने के लिए, काफी रन शेष, बहुत ही किफायती ओवर रहा है चंदन का। एक सफलता भी मिली है बिल्ला के रूप में और बिल्ला के आउट होने के बाद वो मोमेंटम जो ब्रेक हुआ है, मोमेंटम टूटा है पिपरा पुरुषोत्तम का, उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे दोनों बल्लेबाज, ये बड़ी चुनौती है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। आखिरी 6 गेंदों से 14 की दरकार है, मुकाबले में अभी भी रोमांच बना हुआ है, अभी भी उम्मीदें दोनों टीमों के लिए कायम है। आखिरी 6 गेंदों से 14 की जरूरत है, आप डायरेक्ट विकेट कीपिंग से आप बॉलिंग में नहीं आ सकते,
आपको पहले एक फील्डर की भूमिका अदा करनी पड़ेगी, तब आप गेंदबाजी कर अच्छा पाएंगे। जो प्लेइंग कंडीशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतना गर्मी बहुत ही मुश्किल है हालात में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कार्य बड़ा सवाल है कि आपने अपनी गेंदबाजों का इस्तेमाल कैसे किया है। आप जब सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करवाते हैं तो आप एज ए कैप्टन आप अपने उन मुख्य गेंदबाजों को बचा के रखते हैं या फिर आखिरी बार के लिए राजकुमार भैया आखिरी छह गेंदों से 14 रन की जरूरत है और यहां पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मंत्र कहा है और नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बिल्कुल सामना करेंगे। नॉन स्ट्राइक राइट पर अखिलेश नजर आ रहे, गेंद नजर आ रही है कातिल के पास, आर या पार, कातिल क्या करेंगे इस ओवर में, कैसे रोकेंगे बल्लेबाज को, 14 रन की जरूरत है। चंदन लगातार अपने गेंदबाज के पास पहुंचे हैं और जो फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रही है अगर आप देखें लॉन्ग ऑफ और कवर बाउंड्री ऑफ साइड में, यानी कि जो पांच खिलाड़ी थे साइड यानी के बाहर रहेंगे, तीन ऑन साइड में और दो ऑफ साइड में रहेंगे, यानी कि आपको शॉट ऑफ गुड लेना शॉट ऑफ लगे देखने को मिल सकती है जिस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रही है। और अब एक खिलाड़ी और ये फिर कप्तान हेमंत निषाद के ऊपर चंदन ने सवाल खड़े किए हैं कि आप बाहर मत भागी रहे, नो बॉल हो जाएगी। और ये गलती करने का समय नहीं है, काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है काम, दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, प्यार जिंदा है जमाने में भले, लोगों से प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। आखिरी छह गेंदों से 14 की जरूरत है और ये वाह भाई वाह हार करा किया है गेंद बाउंड्री लाइन के शानदार चौका के लिए। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी है उसकी आंखों को सुपारी मेरी। पहली गेंद पर चौका मार दिया है, पांच गेंदों से 10 की जरूरत है। ये इश्क नहीं आसा मत इतना समझ लीजिए, यहाँ का दरिया है तुम्हें डूब के जाना है, ये दुनिया है। कातिल की गेंद और ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर कर बैठे हैं। एक अतिरिक्त गेंदबाज को और रनों की जरूरत है, अब नौ, पांच गेंदों से 9 रन की जरूरत, एक और बाउंड्री की आवश्यकता है मुकाबले में वापसी करने के लिए। शॉर्ट पॉइंट लेके वाह भाई वाह क्या मुकाबला, बैकवर्ड पॉइंट और ये एक और वाइड, पांच गेंदें 8 रन, मुकाबला पूरी तरह से बन चुका है पिपरा पुरुषोत्तम के लिए, बेचैनी बढ़ चुकी है। पांच गेंदों से अब 8 रन की दरकार है, कातिल गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में तो आपने गेंदबाजों का कत्ल किया था, अब खुद गेंदबाज बने हैं तो क्या करेंगे। स्लोवर का इस्तेमाल इस बार, उंगलियां फेरी, बल्लेबाज को बीट किया, 4 गेंदों से 8 चाहिए, 4 गेंदों से 8 रन, हर गेंद पर आपको 2 चाहिए, 2 बाउंड्री की जरूरत है, 1 सिक्स और 1 2 की जरूरत है, या फिर आप 8 सिंगल ले लें, 8 सिंगल से काम चलने वाला नहीं, आपको डबल लेने ही पड़ेंगे। एक और अच्छी गेंद, उंगलियां फेरी है, पर विकेट हो सकता था लेकिन हुआ नहीं ऐसा, और अखिलेश ने कहा कि बस आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहिए, स्ट्राइक हमें दीजिए, 3 गेंदें हैं और 3 गेंदों से 7 रन चाहिए, छक्का लगेगा तो स्कोर लेवल होगा, अभी 3 गेंदें हैं, मुकाबला भी कह नहीं कह सकते, बहुत ही रोमांचक मुकाबला, जोरदार तालियां बजा दीजिए इस मुकाबले के लिए, 3 गेंदों से 7 रन की जरूरत है, TPL सीजन 2 का ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला है, 3 गेंदों से 7 चाहिए,
कातिल गेंदबाज है सामने बल्लेबाज अखिलेश सामना करने के लिए तैयार है, जो कि एक चौके एक छक्का लगा चुके हैं, क्षमता है इनके पास बड़े शॉट लगाने की। ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कैसे कर रहे हैं, और ये डॉट गेंद तो जरूर किया लेकिन यहाँ छोर बदलने के कामयाब रहे भाई का इशारा आएगा अंपायर का, तो किसी की जरूरत है, बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा अगर एक और छक्के ना लगे, यही दुआ होगी, यही कोशिश होगी। चंदन लगा बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन पर नीरज नजर आ रहे हैं, विशाल बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं, और ये फुल टॉस गेंद, और यहाँ पर देखना होगा चौका जाता है कि नहीं, खिलाड़ी गेंद उठा रहे हैं दूसरे के लिए वापस जा रहे हैं, और एक गेंद पर चार रन चाहिए, कैसे बनाएंगे, आखिरी गेंद पर चौका चाहिए, आपने देखा था आखिरी गेंद पर छक्का मारा था, किसने मारा था बताए थोड़ा, आखिरी गेंद पर छह रन चाहिए थे, राहुल केवटिया लेकिन यहाँ पर चार की जरूरत है, और भी हिट कर दिया है, जीत लिया है टीम, तीन रनों से ये मुकाबला जीत लिया है, आखिरकार हेमंत के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली है, और इस जीत की अहमियत वो समझते हैं, प्यास बहुत लगी होगी क्योंकि ये मुकाबला ऐसा रोमांचक मुकाबला था कि यहाँ पर कलेजा मुंह को आ गया था, और चंदा ने इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच बनकर निकले हैं, क्या कमाल का प्रदर्शन है इस खिलाड़ी का, और ये सातवां ओवर मैच का निर्णायक ओवर रहा है, चंदा ने जिस ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की जिसका फायदा भी मिला है, और अंत में तीन रन से ये मुकाबला देवई ने अपने नाम किया, और आज के इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए चंदन कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचते हुए हेमंत निषाद काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी चेहरे पे खुशहाली नजर